हृदय से स्वागत करता हूं। टीम यूपी की ओर से, जिसमें हमारे प्रदेश के प्रभारी माननीय राधा मोहन सिंह जी हैं, मेरे दोनों वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष और प्रदेश के सरकार के जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश संगठन के शिल्पी संगठन महामंत्री सम्मान्य श्री धर्मपाल जी, मंत्रिमंडल के मेरे अन्य सहयोगी और संगठन के हमारे सभी पदाधिकारियों के साथ ही सहयोगी दल श्री निषाद पार्टी के श्री संजय डॉक्टर संजय निषाद जी और अपना दल एस के श्री आशीष पटेल जी समेत पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की ओर से मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। मित्रों, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत, सरकार और संगठन के बेहतर समन्वय, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सुयोग्य और यशस्वी नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अब तक की सबसे बड़ी विजय प्राप्त की है। 17 नगर निगमों में पहली बार भारतीय जनता पार्टी सभी नगर निगमों में एक साथ पूर्ण बहुमत के साथ विजय प्राप्त करने में सफल हुई है। इसके साथ ही जो 17 नगर निगम हैं, इनमें से 3 नगर निगम नए गठित हुए थे, जिनमें अयोध्या, मथुरा वृंदावन और सांझापुर। मथुरा वृंदावन और अयोध्या में विगत वर्ष चुनाव संपन्न हुए थे और सांझापुर में पहली बार चुनाव हुआ है। 17 के 17 नगर निगमों में, जिनमें से हर एक नगर निगम 5 लाख से लेकर के 50 लाख मतदाताओं यानी आबादी के बीच का होता है, और इतनी बड़ी आबादी की जनता को प्रदेश के अंदर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने, उनके समग्र विकास और उन्हें स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को डबल इंजन सरकार ने जिस प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाया है, आज ये जनादेश सबके सामने है। प्रदेश के अंदर 200 नगर पालिकाएं, जिनमें से 199 में चुनाव संपन्न हुए हैं। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने 60 नगर पालिकाओं में विजय प्राप्त की थी। इस वर्ष भारतीय जनता पार्टी का ये आंकड़ा विगत वर्ष से यानी 2017 से दोगुने से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी नगर पालिकाओं में भी प्राप्त कर रही है। नगर पंचायतें पिछले 5 वर्ष के दौरान प्रदेश में नई नगर पंचायतों का गठन भी हुआ है। जो गरीब बड़ी ग्राम पंचायतें थी और 20,000 की आबादी से अधिक की आबादी के जो ग्राम पंचायतें थी, उन्हें नगर पंचायत के रूप में विकसित करके नगरीय सुविधाओं से आच्छादित करने का जो अभियान था, उसी क्रम में लगभग 112 से अधिक नगर निकाय गठित हुए थे। कुल मिलाकर के 545 नगर निकायों में यानी नगर पंचायतों में भी चुनाव संपन्न हुए थे और भारतीय जनता पार्टी इस बार
नगर पंचायतों में भी अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। 2017 से ढाई गुना से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में इसमें भी सफलता प्राप्त की है। इसके अलावा नगर निगम में 1420 वार्ड हैं जिनमें पार्षदों का चयन होना था, चुनाव होना था। भारतीय जनता पार्टी ने इससे पहले 17 में 596 पे विजय प्राप्त की थी और अब तक जो कुल परिणाम आए हैं 794 में से 438 भारतीय जनता पार्टी पहले ही जीत चुकी है। पार्षदों में भी भारतीय जनता पार्टी ये मान करके चले कि पिछली बार की तुलना में दुगने पार्षद भारतीय जनता पार्टी के नगर निगमों में जीत रहे हैं। ऐसे 1367 नगर पालिका परिषद के पार्षद हैं। विगत वर्ष 17 में 923 पार्षद भारतीय जनता पार्टी ने जीते थे, इस बार अभी तक 1300 यानी 5327 में से 1367 के परिणाम सामने आ चुके हैं, जिनमें से 638 भारतीय जनता पार्टी अभी जीत चुकी है और ये संख्या काफी ज्यादा आगे बढ़ने जा रही है। यानी पहले की तुलना में भारतीय जनता पार्टी लगभग दुगने से अधिक पार्षद इसमें भी जीतने जा रही है। ऐसे ही नगर पंचायतों में भी 7177 पार्षद चयन होने थे। विगत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 664 कुल पार्षद प्राप्त हुए थे। अब तक 2457 में से जो परिणाम आए हैं उनमें से 933 भारतीय जनता पार्टी पहले ही जीत चुकी है और अभी काफी बड़ी संख्या में परिणाम आने जा रहे हैं। ये मान के चले लगभग 4720 के परिणाम आने बाकी हैं। इसमें बहुतायत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये परिणाम जा रहे हैं। ये सभी रुझान इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि 4,32,00,000 मतदाताओं ने यानी 6 करोड़ से अधिक आबादी नगर निकाय में उत्तर प्रदेश के अंदर निवास करती है, जिसमें 17 नगर निगम, 200 नगर पालिकाएं, 545 नगर पंचायतें हैं। इन सभी को अगर हम जोड़ करके देखेंगे तो यह 762 नगर निकाय कुल आते हैं। 762 नगर निकाय में एक का पहले चुनाव हो चुका था, झांसी में एक नगर पंचायत और एक नगर पालिका और गौतम बुद्ध नगर में एक नगर पंचायत सर्वसम्मति से भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड पहले ही वहां गठित हो गया। ये चीजें दिखाती हैं कि डबल इंजन सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में सुशासन, विकास और सुरक्षा का जो बेहतर वातावरण उत्तर प्रदेश के अंदर बनाया है उसको यह जनादेश प्राप्त हुआ है और शासन की चीजों को, डबल इंजन सरकार के कार्यक्रमों को जमीनी धरातल तक पहुंचाने के लिए हमारे नगर विकास मंत्रालय विभाग ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस तत्परता के साथ कार्य किया है, चुनाव में बेहतर समन्वय हम सबकी बेहतर ताकत थी, सबसे मजबूत ताकत थी, उसका ये परिणाम हमारे सामने है। विगत वर्ष जब 2017 में चुनाव हुए थे उस समय 16 नगर निगमों में चुनाव हुए थे और 16 नगर निगमों के चुनाव जो संपन्न हुए थे उनमें से